बजकर 50 मिनट पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 11 से जाएगी। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। सुबह के 4 बजे शुरुआत होती है यहाँ से। आज हम जाने वाले हैं एक नए सफर पर, आप सभी को लेकर। तो अभी हम पहुँच गए हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। जाने वाले हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से चंडीगढ़, वो भी जा रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस से, जो कि मुझे 700 रुपये राउंड की टिकट पड़ी है, क्योंकि मैंने CC लिया और एक EC होती है, थोड़ी महंगी होती है, मेरे को उसमें टिकट मिली नहीं, ये तो वो लेता। और गलती मैंने ये करी कि मुझे ना फूड मैंने लिया नहीं, क्योंकि मैंने सोचा इतनी सुबह सुबह कौन खाता है, इसलिए मैंने नहीं लिया। बाकी मैं दिखा दूंगा आपको। और अभी तो मैं आ गया हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। अब यहाँ से मेरे को जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे। अरे भाई, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। चल रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे। और सुबह सुबह का देखा फिलहाल, सुबह सुबह रहती स्टेशन पे भीड़, लोग सोए रहते हैं। देख सकते हो भाई पूरा स्टेशन। अभी चलते हैं। तो भाई अभी पहुंच गए प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे। और अब देखते हैं कि हमारी मेरा जो है ट्रेन सीट 48 नंबर मेरी सीट है, 48 नंबर मेरी सीट है C5 में। तो अभी मैं जा रहा हूँ उसी को देखने और फिर वहीं पर ही रुकूँगा। और ये ट्रेन जो सुबह सुबह चलती है वो चलती है 6 बजे के अराउंड, मतलब 5:50 पर चलती है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से और जाती है चंडीगढ़ के लिए। बीच में एक स्टेशन स्टॉपेज पड़ता है अम्बाला कैंट। मुझे मिल गया है मेरा जो मेरी सीट नंबर है C5 के अंदर है। और यहाँ पर अभी एक ट्रेन आ रही है। कृपया मथुरा आगरा भोपाल के रास्ते रानी कमलापति को जल्दी बारा जा, तो रानी कमलापति स्थापित प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगाई जाती है। श्री माता वैष्णो देवी अभी मुझे दिख गई है मेरी सीट और ये कुछ ऐसी दिखती है जैसे हम नॉर्मल बैठते हैं चेयर्स पे वैसे। और यहाँ पर हम अपना पैर वैर रख सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। और अभी मैं बैठ गया हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, पर मैंने बस वीडियो ऑन कर दिया ताकि मैं बाद में वॉइस ओवर करूँ। और अभी मैं नीचे आपको दिखा रहा हूँ कि बॉटल रखने की जगह है, ये सब चीज़ें हैं, ऊपर से ऐसा इंटीरियर दिखता है, ऊपर मैंने अपना बैग रखा हुआ है। और यहाँ पर मेरे फेस के सामने ये दीवार पड़ रही है, तो मुझे पहले पता चला कि मेरी यहाँ पे विंडो सीट नहीं है। और सामने मैंने देखा तो खाने रखने की जगह थी जहाँ पर हम खाना रख के अपना खा सकते हैं। और उसी के नीचे मैंने जगह देखा, वहाँ पर हम कुछ अपना सामान रखना तो रख सकते हैं, बॉटल रखने की भी यहाँ पे जगह है। फिर मैंने अपने साइड में देखा तो यहाँ पे 6 सीट्स लगी थी, ये थोड़ी नॉर्मली थी हमारी जैसी। और ऊपर एक लाइट लगी थी जहाँ पर हम अगर बुक्स पढ़ रहे हैं तो उस लाइट्स को ऑन करके और पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे न्यूज़पेपर मिला था। और फाइनली ट्रेन चल गई है। आपने बोला भी मुझे रास्ते में कि नहीं नहीं मैं तो मेरे डॉक्टर से फटाफट तो अभी हो गया है नाश्ते का टाइम। और सुबह सुबह ब्रेकफास्ट मुझे मिला और इसमें मिले मुझे ये बिस्किट,
ये दो बिस्किट थे और इसके अंदर साथ हम मुझे ली थी चाय, ये इंस्टेंट चाय है इलायची फ्लेवर वाली। और जो भैया दे रहे थे वो मतलब 25 रुपए की बता रहे थे, 25 रुपए की है ये दोनों चीज़ें। और साथ में आपको गर्म पानी भी देते हैं, गर्म पानी भैया ने मुझे दिया। और अभी मुझे मैं देख रहा था कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये सही थी, मतलब चाय ओवरऑल ठीक थी, मतलब टेस्ट थोड़ी चीनी उतनी ज़्यादा नहीं थी पर नॉर्मल थी, ठीक थी, तो मुझे ठीक ठाक सी ये चाय लगी। और ये बिस्किट के अंदर दो बिस्किट होते हैं, तो भैया ने गर्म पानी दिया और मैंने इस गर्म पानी के अंदर जो अपना ये इंस्टेंट चाय वाला था इसको मैंने फाड़ा और इसके बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया और ऐसे मेरी चाय बनके तैयार हो गई थी। मैंने इसको अंदर से पूरा मिला दिया और ये हमारी बनके चाय बनके हो गई रेडी। ये इतनी ज़्यादा मीठी नहीं थी, मतलब नॉर्मल थी, जो मतलब शुगर वाले भी पी सकें, मतलब सही अच्छी ठीक थी चाय, ठीक ठाक चाय थी। और ये बिस्किट थे, इसमें दो बिस्किट थे, तो ये थी हमारी चाय। ये टोटल 25 रुपीज़ का ये ब्रेकफास्ट था, इसमें ये चीज़ें मिलती हैं। और मैंने सबसे पहले अपना थोड़ा बिस्किट को भी खाया और साथ में चाय के भी मज़े लिए। तो ये मॉर्निंग सुबह 5 बजे का टाइम होगा अभी, और 5 बजे हम लोग ये अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और अभी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से जस्ट हमारी ट्रेन चली ही है और अभी ये आ गया चाय और नाश्ता। और बाहर के नज़ारा भी धीरे धीरे मतलब सुबह होने लगी है और सूरज अब निकल रहा है। और ये मैं आपको वॉशरूम दिखा रहा हूँ कि वॉशरूम हमारा कैसा था। ये इंग्लिश टॉयलेट है और यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है जिससे आप फ्लश कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का आपको वॉशरूम मिलता है, काफ़ी नीट एंड क्लीन था और सारी चीज़ें भी इसमें थी। यहाँ पे अब हैंड वॉश था, हैंड वॉश आप अपना हाथ धो सकते हैं और सब कुछ साफ़ सुथरा था, अच्छा था और पानी भी अच्छा आ रहा था। नहीं तो नॉर्मल हम ट्रेन में जाते हैं तो उसमें पानी नहीं आता है तो अलग अलग प्रॉब्लम रहती है। और यहाँ पे पूरा केटरिंग का सामान है, यहाँ पे भैया सब कुछ रेडी वेडी करके हम लोग तक पहुँचाते हैं जो जो हमें खाना होता है। और ये बाहर के नज़ारे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बाहर से कैसे दिखते हैं नज़ारे। और ये ट्रेन 150 किलोमीटर की स्पीड से चलती है जो कि मैं आपको दिखा भी दूंगा। और यहाँ पे एक नदी पड़ी थी बीच में, मैंने वो भी आपको दिखाया। भाई मैंने तो कुछ खाने का मंगाया नहीं था, मेरे साथ वाली हैं दीदी, उन्होंने मंगाया है। तो ये कटलेट है, साथ में ये पोहा है और एक केक है, एगलेस है ना। और यहाँ पे अपना एक जूस है और एक सॉस है। ये 150 रुपीज़ का है और साथ में कटलेरी है बस। भाई इतनी सुबह सुबह मैं तो नहीं खा पाऊँगा तो मैंने बोला कि चलो ठीक है आप खाओ। फिर मुझे याद आया कि मेरा यार फ़ोन चार्ज नहीं है, तो मैंने देखा यार चार्जर तो मेरे नीचे ही है। और फिर मैंने गया मैं टॉयलेट में और मैंने देखा कि टॉयलेट कैसा है। इस बार मैं हिंदी टॉयलेट में गया था क्योंकि एक एक बार करके जा सकता था ना, इसलिए मैं इस बार हिंदी टॉयलेट में गया। तो मैंने देखा कि वो भी उसकी कंडीशन ठीक है और सारी चीज़ें सही हैं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो आपको ये बना के भी दिखाता हूँ। और एक ख़ास बात कि ट्रेन के अंदर वाईफाई भी है और आप वाईफाई का यूज़ भी कर सकते हैं और उसके लिए कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। और वाईफाई जब यूज़ करते हैं तो आपको ऐसे साइन इन करके आप यहाँ के बहुत सारे शोज़ हैं ये सबको भी देख सकते हैं और अपना इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको यूज़ किया काफ़ी हद तक और काफ़ी अच्छा इंटरनेट कनेक्शन आता है ट्रेन के अंदर भी। तो ये था वाईफाई, इंफोटेनमेंट करके आता है, इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा गाने वाने सुनते और इंटरनेट यूज़ करते करते और अभी सुबह भी हो गई है और हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन चंडीगढ़ पे। सिर्फ एक बीच में स्टॉप था अम्बाला और उसके बाद हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन चंडीगढ़ पे। और अभी सब लोग उतर रहे हैं, सब लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं कि मतलब सब अपना लगेज वगैज उतार रहे हैं और स्टेशन आ गया है। मैं भी देख रहा हूँ स्टेशन को, उसके बाद मैंने भी अपना लगेज वगैज उतारा और अब मैं नीचे जा रहा हूँ स्टेशन से, मतलब ट्रेन से नीचे जा रहा हूँ स्टेशन पर। नॉर्मली काफ़ी भीड़ रहती है चंडीगढ़ स्टेशन पर और मैंने भी देखा इतनी सुबह को भी बहुत भीड़ थी वहाँ पर। देख सकते हैं कितने सारे लोग हमारे साथ साथ आए थे इस ट्रेन की जर्नी में। और ये थी हमारी ट्रेन जर्नी जो हमने की थी दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक की, वो भी वंदे भारत ट्रेन से। आपको ये जर्नी कैसी लगी और आप क्या कभी चंडीगढ़ गए हैं या आपने वंदे भारत ट्रेन में क्या आपने सफ़र किया है, कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा आपको ये ट्रेन कैसी लगती है। मुझे ये ट्रेन बहुत अच्छी लगी और अभी हम पहुंच गए अपने स्टेशन चंडीगढ़। चंडीगढ़ पहुंचने के बाद अभी बज गए हैं 8 और अभी हमें लग गई है बहुत कस की भूख और मैं अभी कुछ जाऊँगा, कुछ खाऊँगा, शायद अमृतसरी कुलचा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखेगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।